स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लीनिंग। ऐसे मैं पर्टिकुलरली हर कुछ आपको नहीं दिखाने वाली हूँ, बस ऐसे रैंडम बातचीत करेंगे एंड क्लीन करते जाएंगे। सो आज के दिन की शुरुआत ही मैं क्लीनिंग से करने वाली हूँ। बेसिकली हम लोग टारगेट करेंगे हमारी किचन को। हमारी किचन है वाइट, और वाइट किचन को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली जब आप देसी खाना बनाते हैं। देसी खाना, खूब सारे टमाटर, ऑयल, एंड बहुत मुश्किल है मेंटेन करना। पर यह है कि वाइट किचन खूबसूरत बहुत लगती है। सो इसके लिए यह है कि आप एवरी डे क्लीन करते रहें, ताकि एक पूरा डिज़ास्टर इकट्ठा ना हो जाए। सो एवरी डे क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है। वैसे भी जब आपकी किचन क्लीन होती है, आप प्रमोट करते हैं हाइजीन, एंड एफिशिएंसी आपकी काम की ज़्यादा बढ़ जाती है। शुरुआत में सबसे पहले मैंने डिशवॉशर को लोड कर देते हैं, क्योंकि जो मॉर्निंग का हमने थोड़ा बहुत खाया होगा या पानी पिया है, चाय पी हुई है, वो सारी डिशेस गैदर हो जाती है। तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर डिशवॉशर खाली हो और उसको सारा दिन आप लोड करते रहो, तो आपके काउंटर्स क्लीन रहते हैं और अच्छा आपको मज़ेदार फील होता है। Said it was the truth, she came on to you, yeah, but you let her. Knocked me over 10 feet forward. Never knew I could sleep alone good, I've never been better. You're probably out there somewhere missing me. Wish I had. एंड आज मैंने सोचा है कि मैं ये सारे कैबिनेट्स को भी क्लीन करूँगी, क्योंकि ये वाइट है एंड इनमें वो डस्ट बहुत ज़्यादा दिखती है। इनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस बार तो मैं सिर्फ वाइप कर रही हूँ सोपी वाटर के साथ, एंड ऑल्सो उसके बाद मेथड का क्लीनर से भी मैं वाइप करूँगी। बट लेटर मैंने एक और डिस्कवर किया है तरीका, उसमें ना मैं छोटा सा ब्रश यूज़ करती हूँ, ब्रश के साथ सारी डस्ट निकाल देते हैं एंड देन उसको वाइप ऑफ कर दे। वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगा एंड वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। इस काम में काफ़ी ज़्यादा समय जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा दिखती है, एंड अगर आप क्लीन भी कर लें तो आपको और से क्लीन करना पड़ता है कि पूरा परफेक्ट दिखे। वाइट है, ज़्यादा दिखता है। Remember when you tried putting up a fight, bet you feel stupid. Tried to make a scene, didn't change a thing, damn it, you blew it. And you're probably out there somewhere missing me. Wish I had an ounce of sympathy. Yeah, I tell my friends that I wish you well, but the truth is. देन मैं काउंटर्स को थोड़ा वाइप कर लूँगी। एंड अब मैं ये जो सिंक के पास मैं चीज़ें रखती हूँ, जैसे ये रैक है, इसे क्लीन करेंगे, क्योंकि इस पर भी ना गंदा सा हो जाता है कुछ, उसे क्लीन करेंगे। और जिसमें मैं अपनी स्पंज रखती हूँ या वो स्टील वूल रखती हूँ, उसे भी अच्छी तरह क्लीन करेंगे, क्योंकि इसका लाइट कलर है तो क्लीन करने के बाद में भी इस पर स्टेन्स दिखते रहते हैं। तो मैंने क्या किया है, ये यूज़ करने वाली हूँ मैं मैजिक इरेजर, ताकि ये एकदम ब्रांड न्यू हो जाए। मुझे लग रहा है कि मुझे ब्लैक कलर का लेना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ही डिस्गस्टिंग लगता है अगर थोड़ा भी गंदा हो। पर ये है कि मैजिक इरेजर इस पर अच्छा काम करता है। अभी मैजिक इरेजर से ही मैं ये स्टील का जो रैक सा मैंने सिंक पे रखने के लिए लिया है, उसे भी क्लीन कर देंगे, बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएगा। एंड देन ये हैंड सोप जो मैं रखती हूँ यहाँ पे, वो भी नीचे से ना थोड़ा अजीब सा हो जाता है, उसे भी क्लीन कर देंगे। एंड Yeah, I tell my friends that I wish you well, but the truth is, honey, that I hope it hurts like hell, like hell. When you see me leaving here with someone else, well, the truth is, honey, that I hope it hurts like hell, like hell. Ooh, ooh.
बार फिर से मैं ये कैबिनेट डोर्स को वाइप करने वाली हूँ ये मेथड की क्लीनर के साथ. अभी मेरे हाथों में दर्द रहता है एंड मैं नहीं चाहती कि जिस दिन मैं क्लीन करूँ उस दिन मैं एक ही बार बहुत ज़्यादा क्लीन कर लूँ, क्योंकि फिर मेरे आने वाले कुछ दिन बहुत अजीब होते हैं. तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा रोज़ करते जाएँ ताकि ज़्यादा ना हो. एंड हमारे ये किचन स्टोव के पीछे ये जो वाइट टाइल्स हैं इसको मैंने कवर करने के लिए एक बड़ा सा वुड का चॉपिंग बोर्ड रखा होता है, पर जैसे ही मैं तड़का लगाती हूँ वैसे ही मैं इसको वाइप कर देती हूँ ताकि इस पे जमे नहीं, वो टमाटर के निशान पर जाते हैं, तड़के के निशान या ऑयल पर. आज हम इसको थोड़ा डीप क्लीन भी कर लेंगे. क्लीन करने के लिए या तो मैं मिसेस मायर्स क्लीनर यूज़ करती हूँ, क्योंकि कोई भी अदर जो केमिकल वाले क्लीनर्स हैं उनसे एक तो मुझे एलर्जी हो जाती है एंड मेरे हड्डियों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है क्योंकि केमिकल कंटेमिनेशन से हो जाती है. सो या तो ये केमिकल फ्री या मेथड का क्लीनर भी बहुत अच्छा है, या फिर आप घर पे भी क्लीनर बना सकते हैं. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाफ पानी हाफ विनेगर एंड कुछ ड्रॉप्स डिश वॉशिंग सोप की एंड आपका खुद का एक क्लीनर बन जाएगा. उसको आप किसी भी सरफेस पे यूज़ कर सकते हैं या मैं वो खुद से बना लेती हूँ, पर आज मैं मेथड का क्लीनर यूज़ कर रही हूँ. आप देखिए कि टाइल्स कितनी चमक गई हैं. क्लीनिंग काइंड ऑफ डन है. आज ब्रेकफास्ट मतलब कि लंच में बनेंगे मेथी वाली दाल वाली मिस्सी रोटी है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है. दाल मेरे पास लेफ्ट ओवर थी नहीं तो मैंने मूंगी की दाल जल्दी से 2 सीटी लगवा ली कि हिम्मत खुश होके खाता है ये. जल्दी से आटा गूंदेंगे. इस आटे में मैं सिर्फ सीजनिंग ऐड करती हूँ एंड अजवाइन बहुत अच्छी लगती है मुझे एंड हरी मिर्ची एंड धनिया. हिम्मत कुछ भी ऐड कर दो खा लेगा. सो उसके बाद मैंने और हिम्मत ने हमारा लंच किया. हस्बैंड आज घर पे नहीं थे इसीलिए मैं ज़्यादा क्लीनिंग का काम कर पाई हूँ, क्योंकि वो इधर उधर घूमते रहते हैं तो इतना ज़्यादा मुझसे नहीं होता है क्लीनिंग का काम, फिर मैं शाम को करती हूँ. सो ये परांठे में मैंने बेसन का आटा भी ऐड किया है क्योंकि उससे परांठा बहुत सॉफ्ट बनता है. आप भी ट्राई करना. एंड अब बारी आती है थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए, तो मैं हिम्मत को भी मेरे साथ लेके जाने वाली हूँ. Hi guys, today we are going to do shopping at the shopping starting now. So we come. Where? Stay here. Don't go. Oh, there it is. What is it? Chole. Really? Oh my gosh. You need to get chole? Yeah, we need to get them. Why? सब्जी है. ओके दोस्तों, तो इंडियन ग्रॉसरी में कोई कोई आइटम खरीद रहे हैं मैं और हिम्मत. सो फार हमें मिले हैं छोले एंड बहुत सारे लोग सारे ने एसी आयल जी एस्टम है एसी वाले चीज़ें खरीदियाँ, पहला इतने कोई नहीं. सो वी हैव टू रन. ओके दोस्तों, मैं ना ग्रॉसरी करने के लिए आना चाहती थी अकेले, बट मैंने लगा कि हिम्मत है घर पर मेरी मदद कर देता है रेड़ी खींचने में एंड बहुत सारी चीज़ें करने में. सो हिम्मत को लेके आई हूँ मैं. मेनली मुझे फ्रेश प्रोड्यूस चाहिए एंड मेरे पास काले छोले नहीं थे. वैसे मेरे हस्बैंड को काले छोले इतने पसंद नहीं, पर मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ एंड समडे अच्छा है ना वो राइस के साथ खाने के लिए. तो काले छोले लिए हैं मैंने एंड और सब्जियाँ लूँगी अगर यहाँ पे होंगी तो. सो या दैट्स आवर न्यूज़. यू कैन से हाय टू माय अगली मगली सन. सो या लेट्स गो. हूज हेल्पिंग मी? Who's for helping me? You or Daddy? Daddy. Yeah, don't you mana kar diya mujhe. Mummy to kar de. Mummy but to mummy ne help kara. You do it. I did last time. You didn't. Maine to nahi ki thi last time. Idhar aa ja. Chup kar ke. Last time mummy Daddy ne ki thi. One time mummy. Okay, tu tere mein task deni hai to wo karne hai. Theek hai? Aaj aagle mein snack chira rakh de. आवाले में स्नैक किया था. मम्मा किधर कर दिया? बिना लाए. ओह, आई नो. नहीं लाना भाई. एक ही अपने काम छाड़ के आया 10 साल. मैं ना बोल रहा था तो दस किया. मम्मा, can I sit on my Twinkies? अब मेरे घर में ग्रॉसरी की मैस है एंड डिनर के बाद की मैस है. आज मुझे याद नहीं हमने डिनर में क्या खाया था, पर या अभी मैं हिम्मत एंड हस्बैंड दोनों से मदद मांग रही हूँ. दोनों मदद करने के लिए तैयार नहीं है. इन्हें कामचोर हो जाते हैं ना ये दोनों बंदे कई बार.
सो जल्दी से ग्रॉसरी को करेंगे ऑर्गेनाइज, पर हिम्मत की मैं मदद लेने वाली हूँ। उसको सारी चीज़ें पता है कि कहाँ पे क्या क्या जाएगा, एंड जो भी लेफ्ट ओवर सामान है वो फ्रिज में जाएगा, जो भी क्लटर है उसे क्लटर को हटाएंगे, एंड हमारे काउंटर टॉप्स को विजुअली क्लीन कर देंगे, क्योंकि जब वो क्लीन होते हैं तो क्लीन लगती है किचन। पर आज बिकॉज मैंने ये डीप डिटेल वाली क्लीनिंग की है तो वैसे ही बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है किचन में, आपको पता चल जाता है कि आपने बहुत अच्छा क्लीन किया है। Remember when you tried putting up a fight, bet you feel stupid. Tried to make a scene, didn't change a thing, damn it, you blew it. And you're probably out there somewhere missing me. Wish I had an ounce of sympathy. Yeah, I tell my friends that I wish you well, but the truth is, honey, that I hope it hurts like hell. So this is a cherries. I love cherries. Himma likes it too. Tastes just like grapes. उसके बाद फिर से ये डिशेस होगी, ये डिशेस को टिकाने लगाया जाएगा, डिशवॉशर को लोड करेंगे एंड चला देंगे, एंड काउंटर टॉप्स को एक बार फिर से क्लीन करेंगे, एंड ये जो जहाँ पे मैं ये सीजनिंग रखती हूँ, सॉल्ट एंड पेपर रखती हूँ, ऑयल, इसको भी हम थोड़ा सा क्लीन कर देंगे। बिन जाएगा बिन में। ये है आज का किचन का रूटीन। अभी बेनिफिट्स क्या हैं किचन को क्लीन रखने के या रोज़ थोड़ा थोड़ा क्लीन करने के? थोड़ा थोड़ा क्लीन करके रखेंगे तो फिर बहुत बड़ा डिज़ास्टर नहीं होगा और आपको एकदम से बहुत क्लीन नहीं करना पड़ेगा, एंड ज़्यादातर आपकी किचन खूबसूरत दिखेगी। हाइजीनिक है ये आपकी किचन के लिए, हार्मफुल बैक्टीरिया जर्म्स को बचा के रखता है आपके किचन को, अगर आपकी किचन क्लीन हो, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा जल्दी ये चीज़ें पनपनी शुरू हो जाती हैं और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। क्लीन एंड ऑर्गेनाइज किचन आपको स्मूथ मील प्रेपरेशन एंड कुकिंग में हेल्प करती है, एंड ऑल्सो आपका समय बचता है, एंड स्ट्रेस में, मुझे बहुत स्ट्रेस होता है कि अगर मेरी किचन क्लटर्ड वाली हो तो कुक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो जब मैं कुक करती हूँ पहले मैं क्लीन करती हूँ या फिर कुक करते करते क्लीन करती हूँ, ताकि जब आप कुक करें किचन बिल्कुल क्लीन रहे। हेल्दी है ये आपके लिए, क्लीन किचन कंट्रीब्यूट करती है हेल्दियर एनवायरनमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। आपकी हेल्थ कंडीशंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी किचन का एनवायरनमेंट क्लीन एंड ऑर्गेनाइज होना। पीस ऑफ माइंड है, अगर आप साफ सुथरी काम किचन में घूमते हैं, कुछ करते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा पीस फील होता है, अदरवाइज क्लटर हो जाता है दिमाग में भी। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो जाता है, टाइडी स्पेस इनकरेज करते हैं फैमिली मेम्बर्स को भी कि यार इसको कंटिन्यू करें। अगर आप सूटते रहेंगे चीज़ें, आप गंद फैलाते रहेंगे तो वो तो नंबर वन है, वो तो बहुत ज़्यादा करेंगे। सो यस गाइज, इस तरह हमारी किचन का क्लीन रूटीन होता है फिनिश। अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करें, अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो तक का करें उनके साथ, बट ज़रूर करें क्योंकि वो वैसे ही लेज़ी होते हैं, राइट? अगर नहीं इन्वॉल्व करेंगे तो उनको तो बहुत मज़ा आएगा,
पर आपकी आपको हेल्प की बहुत ज़रूरत है एंड उनको भी पता चलना चाहिए कि क्लीन करने में कितनी मेहनत होती है और कैसे आप किचन को क्लीन रख सकते हैं या घर के किसी भी हिस्से को। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर मेरे साथ शेयर करना अपने वैल्यूएबल विचार की आप कहो किचन क्लीन अच्छी लगती है या नहीं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नए वीडियो में। अपना ख्याल रखें। आई लव यू गाइस सो वेरी मच। बाय बाय।